अक्षय जी और रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज जो गाना शूट हो रहा है उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज जो गाना शूट कर रहे हैं हम लोग, वो रितेश जी ने पहले गा लिया है और बहुत ही सुपरहिट रहा है, दर्शकों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो हम लोग इस फिल्म में भी इसको फिल्मा रहे हैं और बहुत मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना और बहुत मज़ा आ रहा है। जी रितेश जी, आपकी गाना पहले से बहुत हिट हो गया है, अब उस पर डांस कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस गाने को, रामदेवन मास्टर जी करा रहे हैं, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है उन्होंने। लाल लाल चुन्नी भी पहना हुआ है। हाँ, और मेरा मैचिंग का लाल लाल टी शर्ट है। तो फिर मेरी लाइन क्यों नहीं है कि क्या गोरी का उल्टा क्या होगा, गोरा? गोरा तो हर टी शर्ट पर लाल लाल रहे, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? चाल तो कमाल गोरी ही चलती है ना। हाँ ठीक है, पर लड़का भी चाल अच्छा चलता है ना। चलिए नेक्स्ट वर्जन हम लोग ऐसा बना रहे हैं। हाँ, मैं गाऊंगी। हाँ, लड़के पे। रितेश जी, इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गाना मेरे ख्याल से बहुत पुराना गाना है। ये गाना नियर अबाउट 18 साल पहले का गाना है और हम लोगों ने इसको नए तरीके से पब्लिक के सामने लाया है और पब्लिक इसको बहुत प्यार दुलार दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे पब्लिक हैं, जितने भी हमारे दर्शक श्रोता भगवान स्वरूप हैं, उन्होंने इस गाने को बहुत पसंद किया है। और आगे भी हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द सबके सामने आएगा। अच्छा, ये जो गाना है किसी छोटे बच्चे ने गाया था, मैंने एक वीडियो देखा था। वो बच्चे शायद अभी बड़े हो गए होंगे। जी जी, कुछ बताएंगे? उनके भी बच्चे हो गए। हाँ, वो बड़े हो गए। जैसे हम लोग जो ये एल्बम वाला वीडियो है, तो उस वीडियो सॉन्ग में आप उन्हें देखेंगी, वो उस वीडियो सॉन्ग में है। तो बाकायदा हम लोगों ने कानूनी तरीके से एनओसी लेके हम लोगों ने इस गाने को किया। अच्छा अक्षय, आपको कितना पसंद आया ये गाना? मैंने पहले ही बताया, मुझे ये गाना बहुत पसंद है और पहला जो बच्चे ने गाया है, खैर पता नहीं अभी मुझे बच्चा बोलना चाहिए या नहीं, बड़े हो गए होंगे बहुत, बट वो भी बहुत अच्छा है। और रितेश जी ने जो गाया है एक फ्रेश तरीके से, आज की जो ऑडियंस पसंद करेगी वो भी बहुत अमेजिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा आप ही सुन के रखे हो, है? देखो इतनी तेज है। तो इस लाइन के बारे में कुछ बताएंगे? कॉलेज में शायद आप भी गई होंगी, आपको किसी ने छेड़ा है कभी? प्रॉब्लम ये है ना मेरे साथ, इसी बात के लिए मैं दुर्भाग्य मानूं या क्या, मैं कॉलेज नहीं जा पाई। मुझे कॉलेज जाने का बहुत शौक रह गया दिल में, पता नहीं कब जा पाऊंगी, अब तो नहीं जा पाऊंगी। रीएडमिशन करा लीजिए, बट काम धाम छोड़ के नहीं, करते रहिएगा। अच्छा, ये अच्छा आइडिया है। तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई हूँ। हाँ, स्कूल लाइफ में हालांकि टॉम बॉयश थी, ऐसा कुछ कभी लगा नहीं। झगड़ा बहुत हुआ है मेरा लड़कों के साथ। किस बारे में होता था? ऐसे ही फालतू का। रितेश जी, आपका कभी कोई स्कूल में या कॉलेज में झगड़ा हुआ है अक्षय जी के साथ? नहीं, झगड़ा मुझे तो मारते थे लोग यार, इतनी मैं बोंदी थी। मेरा एक प्रूफ है, इतना बड़ा प्रूफ है जो कि मैं बता नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। जाने दो, इनसे ही पूछो, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हाँ, झगड़े तो सबके होते रहते हैं। वैसे भी मैं थोड़ा सा शुरू से ही शांत रहा हूँ, स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी, अपने काम से काम, अपने बहुत ज्यादा शांत है। मुझे ऐसा लगता है हाँ, ये बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं और इनके सामने कोई भी, मुझे लगता है जितनी भी हीरोइंस होंगी, जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है, सबको पता होगा ये कैसे हैं। एकदम चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सीन डिस्कस करने के टाइम पे भी हीरोइन को जाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा करते हैं हम लोग, तो ऐसा होता है कभी कभी। शायद नेचर है, मेरा नेचर ही यही है, और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा शांति और अपने काम पे फोकस करना, यही है। फिल्म राजा राजकुमार, और इस फिल्म के बारे में पहले भी बताई हूँ बहुत कुछ, पर हाँ, ये फिल्म हमारी पहली फिल्म है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोगों को बहुत पसंद आएगा और उम्मीद है
एक नए रूप में, मेरी ऑडियंस जितनी है वो लोग मुझे एक नए रूप में देखेंगे इस फिल्म में, और हमारी केमिस्ट्री भी शायद लोगों को पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ। और गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद जैसे हमेशा से देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। नितिश जी, अक्षय जी में कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? इनका वेल बिहेवियर, और काम में नो डाउट हमसे बहुत सीनियर हैं, तो अच्छे से कोऑपरेट करके काम करना, हर चीज़ में जहाँ गलती हो रही है वहाँ बताना, तो इंसान तो ज़िंदगी भर सीखता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। तो अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं, मगर एक दो बता सकते हैं जो मैंने बता दिया। अक्षय जी, सेम सवाल है आपका, नितिश जी में कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? इनकी क्वालिटी है ही नहीं कोई। नहीं नहीं है, है। एक तो बहुत ही नेचर वाइज अच्छे हैं, और चीज़ों को समझते हैं, और पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, और साथ ही कॉन्फिडेंस है, जो कि नए नए जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनमें थोड़ी सी समझ की वो रहती है, पर इनमें ख़ास बात ये है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा हर चीज़ों को लेके, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे किसी सीन को ले लीजिए, हर चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही लोग और आगे जाके अचीव करते हैं। अक्षय जी, अभी कुछ दिन पहले आपका एक फ़ोटो देखा था जिसमें आप सेट पर खाना बना रहे थे। हाँ, सबके लिए बना रहे थे कि हम सिर्फ अपने लिए बना रहे थे? नहीं, पूरी यूनिट के लिए बना रही थी। ना, एक बार मैगी बनाया था आपने जो मैंने खाया था, मजनुआ की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बहुत तीखा बनाती हैं, बाप रे बाप। नहीं नहीं, वो तीखा मैं इसलिए बनाती हूँ, जब कोई मुझे पहले मांग देता है ना कि आप क्या बनाने जा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी देना, तो मैं स्पेशली जान मुझ के इतना तीखा डाल देती हूँ, कोई नहीं खा पाए मेरा मैगी। मतलब आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते? शेयर नहीं, मैं मेरी मैगी किसी से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मगर हमने खाया था। खाना जी, खाना में हमारी माँ बनाती है ठेकुआ, जो आटे का चीनी वीनी डाल के बनता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमको, और घर का दाल चावल भुजिया मेरा फेवरेट है। मुझे घर का खाना पसंद है। बनाती भी है घर पे कुछ? खाना बनाती हूँ ना, कभी कभी समय मिलता है तो मैं अपने मम्मी पापा को बना के खिलाती हूँ। हाँ, मैं सब्जी बहुत अच्छा बनाता हूँ। हैं, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। सब्जी में बहुत अच्छा, जब मैं घर पे जाता हूँ बनारस तो हमारे पापा बोलते हैं कि आज रितेश सब्जी बनाएगा, मैं सबके लिए सब्जी सिर्फ बनाता हूँ, और सब लोग बोलते हैं कि टेस्टी बनाता है, मुझे भी टेस्टी लगता है मेरा बनाया हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं सब्जी बहुत अच्छा बनाता हूँ।